लोग बनाएंगे पनीर और रोटी मटर पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सब्जी बनाएंगे, सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पहले सब इकट्ठा रख लेंगे। अदरक भी डालेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और अदरक जो है वो सर्दियों के मौसम में थोड़ा मार होती है, आप सभी को पता होगा। स्टार्ट करते हैं बनाना, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टमाटर तो मैं लाना ही भूल गया, टमाटर नहीं है, टमाटर नहीं है गाइस। तो बिना टमाटर के खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज तो टमाटर खाते हैं, आज नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है और अब स्टार्ट करते हैं गैस को। गैस को दबाते हैं। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. पहले तो मैंने कभी ऐसे नहीं बनाया, बट आज मैं इसमें तेल में डालकर पनीर को पहले फ्राई कर रहा हूँ, उसके बाद बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आता। पनीर को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें ये सब डालते हैं, लहसुन पहले डाल देंगे, फिर मिर्ची डाल देंगे, फिर प्याज, सब साथ में जैसा हमें बन जाएगा, ज्यादा उत्तर नहीं बनाते हैं। थोड़ी अदरक डाल देंगे। तो प्याज जो है उसका कलर ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मसाला डाल देते हैं, ये पनीर मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो पनीर हमने फ्राई की थी काफी ब्राउन हो गई और अच्छी लग रही देखने में, खाने में देखेंगे कैसी लगेगी टेस्ट में। तो हमारे मसाले का कलर ये है। मेरे जितने भी दोस्त हैं अगर वो देखेंगे ये बनाने का तरीका, तो कहेंगे अबे यार ये कैसा बना दिया तुमने, क्योंकि उनको क्या पता है कि अभी तो कैमरा हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कैमरा ना हैंडल करूँ यहाँ पर तो आराम से अच्छे से बना पाऊंगा, बट ये जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है। मसाला पक चुका है तो अब चलो इसमें मटर डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे आटे में पानी मिलाना है या पानी में आटा मिलाना, समझ नहीं आता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो लोग कैसे, मतलब इतना पागल कोई कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है यार कि आटे में पानी मिलाओगे, पानी में आटा थोड़ी ना डालो। Melodies we haven't played. No, I don't want no rest.
तीन सीटी आ चुकी है तो सब्जी तो हमारी बन चुकी है, तो सब्जी और अब रोटियां सेकने की बारी है। रोटियां बेलने जा रहा हूं मैं, तो इसके लिए यहाँ न्यूज पेपर रख लेते हैं, इस पे रख देंगे रोटियां। जितने भी लड़के बाहर रहते हैं, अगर उनसे आप पूछोगे कि सबसे ज्यादा आप डेली लाइफ में यूज क्या करते हो, किसका यूज करते हो, मतलब अपनी डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए, तो सबसे ज्यादा लोग इसी को बताएंगे कि न्यूज पेपर इज ए वेरी नाइस इक्विपमेंट टू इच योर डेली लाइफ। रोटियां भी बनकर तैयार हो गई हैं, अब चलो देखते हैं सब्जी कैसी बनी। हमारा रेडी हो चुका है, ये रहा, इसको खाते हैं और देखते हैं कैसा बना हुआ है। अच्छी है बट थोड़ा तीखी हो गई है और थोड़ा नमक कम है, और तो स्वाद अच्छा है, ठीक है।